हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ बायो के लीलाराम सर हैं, डॉक्टर लीलाराम सर, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे आके आप लोगों के लिए बायो टीच करेंगे। और मैं बड़ा शुक्रिया करता हूं डॉक्टर लीलाराम सर का कि वो हमारे चैनल पे आएं और आप लोगों को पढ़ाएं। अब मैं ये लेक्चर डॉक्टर लीलाराम सर को हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू पांडे जी। हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। बच्चों, इस लेक्चर में, इस वीडियो लेक्चर में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है, ह्यूमन फिजियोलॉजी की जो यूनिट है 11th क्लास में, उसका जो लास्ट चैप्टर है, और उस चैप्टर का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर जो हमारे पास सिस्टम है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो सिस्टम है हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, देखिए, ह्यूमन बॉडी जो है, हमारा शरीर जो है, वो कैसे नियंत्रण में रहता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी का कैसा होता है, तो उसके लिए हमारी बॉडी में दो सिस्टम है। एक सिस्टम है जिसको कहते हैं न्यूरल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और दूसरा सिस्टम जो है उसको हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों सिस्टम्स मिलके ह्यूमन बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, करते हैं। हमारे शरीर का जो नियंत्रण है, बैलेंस है, सारी एक्टिविटीज है, वो सुचारू रूप से चलती रहे, उसके लिए दोनों सिस्टम क्या करते हैं, मिलके काम करते हैं, राइट। अब इस चैप्टर में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है वो ग्लैंड से बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ ग्लैंड। अब एक ग्लैंड क्या होती है, अगर मैं ग्लैंड की बात करूं तो ग्लैंड होती है ग्रुप ऑफ सेल या टिश्यू, और वो कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस बॉडी के अंदर रिलीज करती है, और उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं हार्मोन्स, और ये हार्मोन्स हमारी बॉडी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सो दैट इज ग्लैंड। ग्लैंड मींस ग्रुप ऑफ सेल और टिश्यू विच सिक्रीट सम स्पेसिफिक सिक्रीशंस विच कंट्रोल द बॉडी फंक्शनिंग। अब अगर ग्लैंड्स की मैं टाइप की बात करूं, तो सबसे पहले हमारे पास जो टाइप आती है उसको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो ये वो ग्लैंड्स हैं जो अपनी सिक्रीशंस को डक्ट के थ्रू सिक्रीट करती है। किसके थ्रू? डक्ट के थ्रू। जैसे ये ग्लैंड है, ग्लैंड मींस ग्रुप ऑफ सेल्स, और ये सेल्स, सारी सेल्स मिलके कुछ सिक्रीशन सिक्रीट कर रही हैं, और ये सिक्रीशन इस डक्ट के थ्रू बाहर आ रही है, तो ऐसी ग्लैंड्स को हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एग्जाम्पल अगर मैं इसका लूं, तो हमारे पास वेल नोन ग्लैंड है जिसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड, दैट इज प्रेजेंट इन आवर बकल कैविटी। तो ये तो पहली टाइप होगी एक्सोक्राइन ग्लैंड। दूसरी टाइप जो है, सेकंड टाइप है, वो हमारे पास है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है, उसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, तो दीज ग्लैंड्स आर डक्टलेस। ये ग्लैंड्स डक्टलेस होती है, इसमें कोई डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है, तो ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। और ये ग्लैंड अपनी सिक्रीशंस को डायरेक्टली किसके अंदर रिलीज कर देती है, ब्लड वेसल्स के अंदर। इन ग्लैंड्स के सराउंडिंग से ये ब्लड वेसल जा रही है, और ये अपनी सिक्रीशन को किस में रिलीज कर रही है, इस ब्लड वेसल के अंदर, और इस ब्लड से ये बॉडी के जो टारगेट ऑर्गन है वहां पर हार्मोन्स पहुंच जाएगा। तो ये होगी कौन सी ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, जो हमारा आज के लेक्चर का मेन टॉपिक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, पैनक्रियाज भी है, और उसके अलावा हमारी एड्रिनल ग्लैंड है। तीसरी टाइप पे अगर मैं चलूं, तो उसको हम कहते हैं हिटरोक्राइन ग्लैंड। हिटरोक्राइन ग्लैंड वो होती है जो दोनों, जिनका नेचर दोनों होता है, एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। ये ग्लैंड हार्मोन भी रिलीज करती है, और इसके अलावा ये ग्लैंड एंजाइम भी रिलीज करती है, तो दोनों ही काम कर रही है, इसलिए इनको हम कहते हैं हिटरोक्राइन ग्लैंड। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, टेस्टिस है, पेनक्रियाज है, और क्या है, ओवरी।
ये तीनों ग्लैंड्स हार्मोन भी रिलीज करती हैं और हार्मोन के अलावा एंजाइम भी रिलीज करती है या कुछ दूसरे सब्सटेंसेस, जैसे कि मैं टेस्टिस की बात करूं स्पर्म और ओवरी की बात करूं तो ये क्या रिलीज करते हैं, तो ये तीसरी टाइप होगी जिसको हम कहेंगे हेटरोक्राइन ग्लैंड। अब थोड़ा सा डिस्कवरी एस्पेक्ट पे अगर मैं चलूं तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड बच्चों क्या सीक्रेट करती है, हार्मोन। और जो सबसे पहला हार्मोन डिस्कवर हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहला हार्मोन डिस्कवर हुआ था उसका नाम था सिक्रीटिन। इस सिक्रीटिन के बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के, और ये हमारे जीआई ट्रैक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से रिलीज होता है। सो दिस वाज द फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड, और इसकी जो डिस्कवरी हुई थी इट वाज डन बाय टू साइंटिस्ट, वन नेम इज बेलिस एंड स्टार्लिंग नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। एंड द टर्म हार्मोन इट वाज कॉइन्ड बाय स्टार्लिंग इन द ईयर 1905। हार्मोन जो शब्द है वो स्टार्लिंग नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। अगर मैं क्लासिकल डेफिनेशन बात करूं, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन, जो ओल्ड डेफिनेशन है, क्लासिकल का मतलब होता है ओल्ड डेफिनेशन, तो ओल्ड डेफिनेशन क्या है हार्मोन की, ए केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस किया गया केमिकल, और जो डायरेक्टली किसके अंदर रिलीज होता है, ब्लड के अंदर। एंड दिस हार्मोन इज ट्रांसपोर्टेड टू द डिस्टेंटली लोकेटेड ऑर्गन। जैसे मान लीजिए हमारे पिट्यूटरी ने एक हार्मोन रिलीज किया और वो हार्मोन ब्लड के थ्रू उस हार्मोन को कहाँ जाना है, थायराइड में जाना है या एड्रिनल ग्लैंड के पास जाना है, तो वो ब्लड के थ्रू डिस्टेंटली लोकेटेड पार्ट में क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो ये क्लासिकल डेफिनेशन है किसकी, हार्मोन की। अगर मैं बात करूँ करंट साइंटिफिक डेफिनेशन की जो आज हम यूज करते हैं, वो डेफिनेशन है कि हार्मोन जो होते हैं दे आर नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स। हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स का मतलब होता है कि ये हमें एनर्जी नहीं देते, ये हमारी बॉडी बिल्डिंग, जैसे कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट की बात करो तो वो तो न्यूट्रिएंट होते हैं, सो वैसा नेचर हार्मोन्स का नहीं है। सो दे आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर इंटरसेलुलर मैसेंजर, क्या होते हैं वो, इंटरसेलुलर मैसेंजर होते हैं, इंटरसेलुलर मैसेंजर सेल को क्या देते हैं, मैसेज देते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दे आर रिलीज्ड, हार्मोन्स हमारी बॉडी में बहुत ही कम मात्रा के अंदर रिलीज होते हैं, ठीक है, नैनोग्राम पीकोग्राम बहुत ही ट्रेस अमाउंट में हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो ये है हमारी करंट साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ हार्मोन। अब अगर मैं बात करूँ हमारी ह्यूमन बॉडी की, हमारी ह्यूमन बॉडी में कौन कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो बच्चों ब्रेन की बात करूं तो ब्रेन में तीन आ गई, सबसे पहले ये हाइपोथैलेमस, फिर आ गई पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर आ गई पीनियल ग्लैंड, ये तो ब्रेन की बात होगी। अब अगर हम गर्दन वाले रीजन में आ जाए, नेक रीजन में, तो हमारे पास थायराइड ग्लैंड है जो सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। थायराइड के एग्जैक्ट पीछे आगे डिस्कस करेंगे हम, इसके पीछे होती है पैराथायराइड ग्लैंड। यहाँ पे आ गए हम स्टोमक के जस्ट नीचे, ये हमारी ग्लैंड है जिसको कहते हैं पैनक्रियास। किडनी की अगर मैं बात करूं, किडनी के ऊपर ये हेड शेप ग्लैंड होती है जिनको कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एंड देन इन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी वी हैव टेस्टिस एंड ओवरी। सो दीज आर द एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। अब इन ग्लैंड्स के अलावा हमारी बॉडी के कुछ और पार्ट्स भी हैं जो क्या रिलीज करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं, और उनमें हमारे पास आ गया जीआई ट्रैक। इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर लास्ट में जो टॉपिक आता है उसमें हम डिस्कस करेंगे। जीआई ट्रैक का मतलब गट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। फिर लीवर, लीवर भी क्या रिलीज करता है, हार्मोन्स। फिर आ गया हमारे पास किडनी, किडनी जो है हमारी किडनी भी क्या रिलीज करती है, हार्मोन रिलीज करती है। हार्ट, देन वी हैव हार्ट, ये ऑर्गन भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का काम करते हैं कुछ मात्रा में, कुछ थोड़ी बहुत अमाउंट में ये क्या करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं। अब बच्चों हम मेन जो इस चैप्टर का जो टॉपिक है उसके ऊपर आ जाते हैं। ये तो हमने ब्रीफली डिस्कस किया कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, कहाँ प्रेजेंट होती हैं, क्या क्या उनके नेम है, बॉडी में उनकी लोकेशन क्या है। सबसे पहली
जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसका नाम है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जिसको हम कहते हैं सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन रेगुलेशन। ये जो हाइपोथैलेमस है, ये जैसे अगर मैं कहूँ कि आदमी के अंदर या किसी फोर्स के अंदर एक सुप्रीम पावर होती है जिसको हम ब्रिगेडियर कहें या कमांडर कहें, जो सारी चीज़ों को कंट्रोल में रखता है, तो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो सुप्रीम कमांडर है उसका नाम है हाइपोथैलेमस, जो सभी ग्लैंड्स को क्या करता है, नियंत्रण में रखता है। अब इस हाइपोथैलेमस की अगर मैं बात करूँ हमारे ब्रेन के अंदर लोकेशन क्या है, तो बच्चों आप पढ़ते हैं फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं डाइसिफिलोन। क्या कहते हैं? जिसको हम डाइसिफिलोन, फोर ब्रेन में एक पार्ट होता है डाइसिफिलोन, और उस डाइसिफिलोन पार्ट का जो बेसल रीजन होता है, बेसल रीजन, ये वाला रीजन क्या कहलाता है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस की लोकेशन क्या हुई? हाइपोथैलेमस की लोकेशन हुई कि डाइसिफिलोन का जो फ्लोर है, फ्लोर का मतलब फरस, उस रीजन में प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस, और इस रीजन के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है यहाँ पे? न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स, यहाँ पे प्रेजेंट है न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स, जो क्या रिलीज करती हैं? हार्मोन्स। क्या रिलीज करती हैं? हार्मोन। ये न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स अपने हार्मोन्स के द्वारा जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हाइपोथैलेमस के नीचे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इससे हार्मोन्स बनवाएगी, हार्मोन बनेंगे और उनको क्या करिए? सिक्रीट करिए। तो ये काम हो गया किसका? हाइपोथैलेमस का। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपोथैलेमस कंटेन न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स। तो देखिए आगे ये कैसे काम करती है न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स। ये बच्चों ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, 11th एनसीईआरटी बुक में। अब इसको समझिए, ये जो पोर्शन है जो ब्लू इस कलर से दिखाया हुआ है, इस पूरे पोर्शन को मैं कह रहा हूँ हाइपोथैलेमस। इस हाइपोथैलेमस में सेल्स प्रेजेंट है जिनको हम क्या कहते हैं? न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स। क्या कहते हैं जिनको? न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स। यहाँ पे इनको न्यूरोन्स का नाम दे दिया गया है। अब ये न्यूरॉन्स क्या करेंगे? ये न्यूरॉन्स कुछ हार्मोन्स रिलीज करेंगे, और ये हार्मोन्स इस न्यूरॉन के जो एंड पार्ट है उसके द्वारा ये हार्मोन यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं इस पोर्शन में। तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस पोर्शन इज नोन एज न्यूरो हाइपो फाइशियल पोर्टल सिस्टम, न्यूरो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। बच्चों हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में एक पोर्टल सिस्टम एग्जिस्ट करता है, ये वाला, जैसे यहां से देखिए आप, दिस वन इज ए न्यूरो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम जो किसके बीच में एग्जिस्ट करता है? हाइपोथैलेमस के बीच में और पिट्यूटरी के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो देखिए होगा क्या, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, यहां से जो हार्मोन्स हैं, हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स दो टाइप के होते हैं, आरएच एंड आईएच, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। वो हार्मोन क्या करेगा, ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल या ये न्यूरॉन अपने हार्मोन्स यहां पर रिलीज कर देगा। ये है ब्लड कैपिलरी। क्या है ये? ब्लड कैपिलरी। और ये पोर्टल वेन। तो ये हार्मोन्स यहां रिलीज हुए ब्लड वेसल्स के द्वारा, और ये कहां पे आ गए? इन कैपिलरीज में आ गए, यहां से रिलीज हो गए, और रिलीज हुए तो इसमें इन्होंने किसको स्टिमुलेट किया? एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या किया? हार्मोन बनाना शुरू किया, और एंटीरियर पिट्यूटरी ने हार्मोन बना के उनको रिलीज करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये एक कनेक्शन है किसके बीच में? हाइपोथैलेमस के बीच में और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूरो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, पिट्यूटरी का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ये कोई भी हार्मोन नहीं बनाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, रिमेंबर दिस, कि पोस्टीरियर पार्ट जो होता है पिट्यूटरी का, वो खुद हार्मोन सिंथेसाइज नहीं करता है। यहां से जो हार्मोन, इसके जो हार्मोन्स है वो कहां से आते हैं? हाइपोथैलेमस से।
याद रखना दो हार्मोन है, एक का नाम है एडीएच, आगे फिर डिस्कस करेंगे, और दूसरे का नाम है ऑक्सीटोसिन। तो बच्चों ये दोनों हार्मोन्स हाइपोथैलेमस बना के इस न्यूरॉन के एंड के द्वारा किसने रिलीज कर देगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और ये हार्मोन्स यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। सो रिमेम्बर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पोस्टीरियर पिट्यूटरी अपने हार्मोन खुद नहीं बनाती है, ये सिर्फ हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स को क्या करती है, अपने अंदर स्टोर करती है, और जब जरूरत होती है तो उसको क्या कर देती है, रिलीज कर देती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स है वो दो टाइप के, जैसे मैंने पीछे बताया, वन इज कॉल्ड आरएच रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या करेंगे, ये कहेंगे पिट्यूटरी को कि हार्मोन्स बनाइए और उनको क्या करिए, रिलीज करिए, क्या करिए, रिलीज। और जब हार्मोन की बॉडी में जरूरत नहीं है तो ये क्या कर देंगे कि पिट्यूटरी को कहेंगे कि अब हार्मोन्स बनाना और सिक्रीट करना क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। तो जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है, रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। उसके बाद जो हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स हैं वो कौन कौन से, पिछली वाली स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि दो टाइप के, रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग, यहाँ पे कौन कौन से हार्मोन्स, उनके नाम क्या है। पहला जो हार्मोन है उसको हम कहते हैं गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। जहां पे भी गोनेड वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब हमारा संबंध किससे है, टेस्टिस एंड ओवरीज। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा किसको, पिट्यूटरी को, कि ये दोनों हार्मोन्स क्या कर दीजिए, आप रिलीज कर दीजिए, FSH एंड LH। याद रखना बच्चों FSH एंड LH इन दोनों हार्मोन्स को हम कहते हैं गोनेडोट्रोफिन, क्या कहते हैं इनको, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स। ठीक है, और इनको रिलीज करवा रहा है कौन, हाइपोथैलेमस। तो हार्मोन का नाम क्या हो गया, GnRH। दूसरा जो है वेरी इंपॉर्टेंट, सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन ये क्या करेगा, पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है उसकी सिक्रीशन को इनहिबिट कर देता है, इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है बॉडी की ग्रोथ के लिए, तो उस हार्मोन की सिक्रीशन को ये सोमेटोस्टेटिन इनहिबिट कर देता है। और इस हार्मोन का जिक्र कई बार आता है, दूसरे पार्ट्स के द्वारा भी हार्मोन क्या होता है, रिलीज होता है। आगे चलते हैं, उसके बाद हमारी मास्टर ग्लैंड आ गई, पिट्यूटरी जिसको हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। इसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो मास्टर तो नहीं है, क्योंकि इसको भी कंट्रोल करने वाला, जैसे पिछली स्लाइड में मैंने बताया आपको, हाइपोथैलेमस है, लेकिन बुक्स लिखती हैं इसको मास्टर ग्लैंड। और ये सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसका बच्चों जो वेट होता है वो होता है 0.5 ग्राम, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब इसकी लोकेशन को लेके अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द लोकेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो कहाँ लोकेटेड होती है, हमारी ये जो स्कल है, स्कल में ये जो पोर्शन है जिसको क्रेनियम कहते हैं, दिस इज क्रेनियम पार्ट, इस क्रेनियम में 8 बोन्स होती हैं, और इसमें एक बोन होती है जिसको हम कहते हैं स्फीनोइड बोन, स्फीनोइड बोन जो होती है ये हमारी क्रेनियम में, हमारी क्रेनियम में जो 8 बोन्स है उसमें एक बोन है स्फीनोइड बोन, और इस स्फीनोइड बोन के अंदर एक कैविटी होती है, उस कैविटी का नाम होता है सेला टर्सिका। व्हाट इज द नेम, सेला टर्सिका। तो यहां पे देखिए ये जो एरिया है, ये जो बोन है इस बोन का नाम है स्फीनोइड बोन, और इसमें जो कैविटी है इस कैविटी का नाम है सेला टर्सिका, और यहां पे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, लोज्ड होती है, प्रेजेंट होती है, राइट। नेक्स्ट अगर मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताऊं तो आप इसमें बड़े आसानी से इसमें देख सकते हैं बच्चे कि ये जो है हमारे पास इस डायग्राम के अंदर, इस पिक्चर के अंदर आप बड़ा क्लियरली देख सकते हैं। देखिए ये है हमारी वो कैविटी जिसका नाम है सेला टर्सिका, यहाँ पे ये कैविटी है, और कौन सी बोन की है, ये स्फीनोइड बोन की, और यहाँ पे हमारी ये ग्लैंड पिट्यूटरी क्या है, लोकेटेड है। So this is very important point.
आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, नीड पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है, लोकेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है इसकी एनाटॉमी की बात करूं, एनाटॉमी का मतलब पिट्यूटरी का अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, पिट्यूटरी को अगर हम इंटरनली स्टडी करें, एनाटॉमी देखें, तो पिट्यूटरी दो हिस्सों में बटी हुई होती है। एक हिस्सा कहलाता है एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरा हिस्सा कहलाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, तो ये पिट्यूटरी का एनाटॉमिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे है हमारा हाइपोथैलेमस, दिस इज हाइपोथैलेमस, दिस इज पिट्यूटरी। तो ये जो पोर्शन है, ये वाला और ये वाला पोर्शन, ये दोनों पोर्शंस मिलके क्या कहलाते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस। और ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, इस पोर्शन को जो ब्लू वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं पार्स एंटीरियर, इसको हम कहते हैं पार्स इंटरमीडिया भी कहते हैं, ठीक है, और इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर लोब। तो पिट्यूटरी एनाटॉमिकली दो हिस्सों में डिवाइड है, एक तो यहां से लेकर यहां तक और एक यहां से लेकर यहां तक। ये हिस्सा साइज में बड़ा होता है, ये हिस्सा साइज में क्या होता है, छोटा होता है। हालांकि पिक्चर में आपको दिख रहा है कि ये बड़ा है, बट एंटीरियर पार्ट, दिस पार्ट इज लार्जर इन साइज, दिस पार्ट इज स्मॉलर इन साइज। तो ये पिट्यूटरी के एनाटॉमी की बात हो गई। अब पिट्यूटरी के मैंने आपको तीन रीजंस बता दिए, एंटीरियर पिट्यूटरी का एंटीरियर लोब, मिडल लोब और पोस्टीरियर लोब। तो जो एंटीरियर लोब है, एंटीरियर पिट्यूटरी है, वो कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है। सबसे पहला जो हार्मोन है वो हमारे पास है ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम कहते हैं सोमेटोट्रोपिन। ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसकी ग्रोथ होती है, और ग्रोथ होने के बाद धीरे धीरे बॉडी की साइज इंक्रीज होती है। तो ये सब हमारी ग्रोथ हार्मोन की देन है, इट इज ऑल द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, इट स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ द बॉडी। एंड सेकेंड पोर्शन इज प्रोटीन एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म का मतलब होता है प्रोटीन का बिल्डिंग। तो बॉडी में प्रोटीन बनने लग जाती है, और जिससे क्या होता है, जिससे बॉडी की क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी। सो दिस हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन बॉडी। लेकिन कई बार क्या होता है कि इस हार्मोन की, ग्रोथ हार्मोन की बच्चों सिक्रीशन बॉडी में इतनी ज्यादा हो जाती है, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन एबनॉर्मल ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा सिक्रीशन हो गई, ओवर सिक्रीशन जिसको हम कहेंगे। तो इसमें क्या होता है, बॉडी की एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है। सो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं दिस वूमेन, इसमें एबनॉर्मल ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज हो गए। तो इसकी बॉडी जो है वो एबनॉर्मली ग्रो कर रही है, तो इसको हम कहते हैं जाइजेंटिज्म, जाइजेंटिज्म, पिट्यूटरी जाइजेंटिज्म के नाम से हम इसको जानते हैं, पिट्यूटरी जाइजेंटिज्म, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी ड्यू टू एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, ड्वार्फिज्म की बात करें, अगर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन क्या हो जाए, कम हो जाए, कम हो जाए तो बॉडी की ग्रोथ क्या रह जाती है, कम रह जाती है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो ह्यूमन है इसके अंदर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम हुई है, तो इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत कम रहेगी, जिसको हम कहते हैं स्टंटेड ग्रोथ। क्या कहते हैं, स्टंटेड ग्रोथ कहते हैं। ऐसे ह्यूमन सेक्सुअल मैच्योरिटी भी अटेन नहीं कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसमें, तो जिनमें ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम होती है उसके अंदर सेक्सुअल मैच्योरेशन भी नहीं आती है। राइट, नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन क्या हो जाए, एक्सेस में हो जाए, लेकिन कब, बचपन में नहीं, अडल्ट स्टेज में। कौन सी स्टेज में, अडल्ट स्टेज में। अगर अडल्ट स्टेज में आके ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो रहे हैं, तो जो कंडीशन होगी, जो डिजीज होगी, उसको हम कहते हैं एक्रोमेगैली। क्या कहेंगे, एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली में क्या होता है, जो हमारे हाथ हैं,
और जो फेस है, चेहरा है, इवन पैर, इनकी जो बोन है इन बोन्स की साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, इन बोन्स की साइज बढ़ जाती है। तो इससे जो फेस है और जो हाथ है उनकी साइज एबनॉर्मल हो जाती है, वो एबनॉर्मल से दिखते हैं, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे एक्रोमेगैली। ध्यान रखना, एक्रोमेगैली में जो कंडीशन है वो अडल्ट स्टेज में, और जो जाइजेंटिज्म है उसमें आप चाइल्डहुड में ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा भैया, उसके बाद में बात करता हूँ कौन से हार्मोन की, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, जो मेमोरी ग्लैंड होती है, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड की जो ग्रोथ होती है उसके लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। और बच्चों, जब एक फीमेल बच्चे को जन्म देती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन के बाद क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड में मिल्क का सिंथेसिस होता है। तो मिल्क का सिंथेसिस होने से क्या होता है, जो ब्रेस्ट है, मेमोरी ग्लैंड है, उसकी साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसके पीछे जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है उसका नाम है प्रोलैक्टिन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PRL, प्रोलैक्टिन हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन है हमारे पास TS, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TSH? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन क्या करेगा, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। थायराइड कहाँ प्रेजेंट होती है, ये बटरफ्लाई से जो ग्लैंड है, ये बच्चों हमारी गर्दन में होती है, सबसे बड़ी ग्लैंड है। और पिट्यूटरी क्या कहेगी इसको, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या कहेगी, कि आप क्या बनाइए, T3 T4 बनाइए, क्या बनाइए, T3 T4 बनाइए, और उसको क्या करिए, रिलीज करिए। सो दिस इज अबाउट TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट है हमारे पास ACTH, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन पिट्यूटरी से चलता हुआ बच्चों कहाँ पहुँचता है, ये पहुँच जाता है हमारी किडनी के ऊपर, जो एक ग्लैंड है जिसको हम क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। क्या कहते हैं जिसको, एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड का कौन सा हिस्सा, एड्रिनल कॉर्टेक्स। कौन सा भैया, एड्रिनल कॉर्टेक्स, उसको स्टिमुलेट करता है। और यहाँ से फिर आपके हार्मोन्स रिलीज होंगे, जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हार्मोन्स यहां से निकलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। नेक्स्ट है हमारे पास LH एंड FSH, ये सारे एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन चल रहे हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी, दीज आर हार्मोन ऑफ एंटीरियर। LH को कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH को कहते हैं फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH एंड LH। जैसा मैंने पीछे भी बताया था आपको, ये किसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, गोनेट्स को। गोनेट्स का मतलब टेस्टिस एंड ओवरी, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, गोनेडोट्रोपिन। ये दोनों हार्मोन LH एंड FSH मेल में और फीमेल में दोनों के अंदर क्या करते हैं, गोनेट्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो गोनेडोट्रोपिन कहलाते हैं। अब मैं बात करता हूं मेल्स के अंदर। मेल के अंदर अगर मैं बात करूं कौन से हार्मोन की, LH। LH का मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा बच्चों, अगर मैं टेस्टिस की बात करूं तो हमारे टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में ये जो स्पेस है जिसको हम कहते हैं इंटरस्टीशियम, यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, लीडिंग सेल्स। कौन सी सेल्स कहेंगे इनको, लीडिंग सेल्स, LEYDIG, लीडिंग सेल्स कहते हैं इनको। दूसरा नाम होता है इनका इंटरस्टीशियल सेल, देयर आल्सो नोन एज इंटरस्टीशियल सेल। तो ये LH क्या करता है, इन सेल्स पे अपना एक्शन शो करता है, और इन सेल से, लीडिंग सेल से कौन सा हार्मोन रिलीज करवाता है, टेस्टोस्टेरोन, जिसको हम क्या कहते हैं, एंड्रोजन, दिस इज नोन एज एंड्रोजन। तो मेल के अंदर LH का ये फंक्शन होता है। अब मैं बात करूं
FSH की, LH का तो हो गया, FSH और टेस्टोस्टेरोन दोनों मिलके मेल की मेल के अंदर FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन दोनों मिलके किसको रेगुलेट करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस को। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म का बनना, ठीक है। स्पर्म कैसे बनता है, वो एक मदर सेल है जिसका नाम है स्पर्मेटोगोनियम। ये स्पर्मेटोगोनियम डिवाइड करते करते क्या बनाता है, ये स्पर्म बनाता है। क्या बनाता है, स्पर्म। तो स्पर्मेटोगोनियम से क्या बनना, स्पर्म का बनना किसके द्वारा कंट्रोल होता है, FSH के द्वारा और टेस्टोस्टेरोन के द्वारा। अब मैं फीमेल की बात करता हूँ, फीमेल में ये दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं, LH एंड FSH। तो इन दोनों को हम समझ लेते हैं फिगर के थ्रू, LH क्या करता है और FSH क्या करता है। ये एक ट्रांसवर्स सेक्शन है ह्यूमन ओवरी का, TS of ovary। तो बच्चों जब एक फोलिकल मैच्योर हो जाता है और इस फोलिकल को हम कहते हैं ग्राफियन फोलिकल, क्या कहते हैं इसको, ग्राफियन फोलिकल। ये ग्राफियन फोलिकल जब मैच्योर हो जाता है तो इसमें से सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है, यहां से रिलीज होता है, तो इसको हम कहते हैं ओवुलेशन, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में होता है। तो रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट फ्रॉम ग्राफियन फोलिकल इज नोन एज ओवुलेशन, उसको हम क्या कहते हैं, ओवुलेशन। तो इस ओवुलेशन के पीछे जो हार्मोन काम कर रहा है उसका नाम क्या है, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दूसरा हार्मोन है जिसको हम कहते हैं FSH, जिसका नाम क्या है, FSH। FSH क्या करता है, इन फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाता है। आप ये देख रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, इन फॉलिकल्स की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। क्या हो रही है, इनकी ग्रोथ। तो इन फॉलिकल्स की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है हार्मोन FSH, और LH का काम क्या होता है, ओवुलेशन। तो ये फीमेल की बात हो गई। अच्छा बच्चा इसमें एक बात और है, ये जो कॉर्पस लूटियम है, यहाँ पे जो कॉर्पस लूटियम है, इस कॉर्पस लूटियम से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं प्रोजेस्टेरोन। क्या कहते हैं, प्रोजेस्टेरोन। इस प्रोजेस्टेरोन का रिलीज भी किसके द्वारा कंट्रोल होता है, LH के द्वारा। LH हार्मोन कॉर्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरोन रिलीज करवाता है। तो LH के दो काम हो गए, रिलीज ऑफ प्रोजेस्टेरोन फ्रॉम कॉर्पस लूटियम एंड सेकेंड वन इज ओवुलेशन। आगे चलते हैं, आगे तो ये जितने भी हार्मोन्स मैंने डिस्कस की ये सारे एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन हैं। अब मैं आ जाता हूं मिडल लोब पे, जिसको हम कहते हैं पार्स इंटरमीडिया, दैट इज नोन एज पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। ये जो मिडल लोब है वो हार्मोन रिलीज करता है जिसको कहते हैं MSH, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मिलेनोसाइट हमारी स्किन के अंदर सेल्स होती हैं जो हमारी बॉडी का कलर, किसी का फेयर है, किसी का डार्क है, मीडियम है, 7 टाइप की रेंज होती है ह्यूमन स्किन कलर के अंदर, ठीक है, जो हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी स्किन का कलर है वो अलग अलग है इन चारों फोटोग्राफ्स के अंदर। तो ये जो कलर है ये कलर किसकी देन है, इस हार्मोन की देन, MSH, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मिलेनोसाइट्स पे अपना एक्शन लेता है और पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, पिगमेंटेशन का मतलब शरीर का, बॉडी का, त्वचा का जो रंग है वो कैसा होगा, वो इसके द्वारा क्या होता है, कंट्रोल होता है। हालांकि पूरा इसके द्वारा नहीं होता, इसमें जेनेटिक कंट्रोल भी है जो जेनेटिक्स में पढ़ेंगे 12th क्लास में, और भैया इसके अलावा इसमें हमारे एनवायरमेंट का रोल भी है और कुछ देन होगी हार्मोन, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, अब जो हार्मोन हम बात कर रहे हैं वो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कौन से पिट्यूटरी के, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसको हम कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पहला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, जब बच्चे की डिलीवरी पास होती है, पार्चुरेशन जिसको हम कहते हैं पार्चुरेशन, तो ये जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, बच्चों यूट्रस की जो सेकंड लेयर होती है जिसको हम कहते हैं मायोमेट्रिन, मायोमेट्रिन,
तो उस मायोमेट्रियम के अंदर स्मूथ टाइप की मसल्स पाई जाती हैं, स्मूथ मसल्स इसके अंदर मिलती हैं, और इन स्मूथ मसल्स में विग्रस कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से इस बेबी का मूवमेंट क्या होता है, बाहर की तरफ होता है, ये बेबी क्या हो जाता है, यूट्रस से एक्सपल आ जाता है, बाहर आ जाता है, एक्सपल्सन जिसको हम कहेंगे, सो एक्सपल्सन ऑफ द फुली फॉर्म्ड फीटस इज नोन एज पार्चुरेशन, और पार्चुरेशन का जो प्रोसेस है उसमें कौन हेल्प करता है, ऑक्सीटोसिन, कौन हेल्प करता है, ऑक्सीटोसिन। तो मैं अगर बात करूं फीमेल्स के अंदर जो लेबर पेन है वो कौन इंड्यूस करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड। जब एक बच्चे का जन्म हो जाता है तो बच्चों पार्चुरेशन के बाद जब सकलिंग होती है, पार्चुरेशन के बाद क्या होती है, सकलिंग होती है, तो जो मेमोरी ग्लैंड है, जो मेमोरी ग्लैंड होती है, उस मेमोरी ग्लैंड के अंदर जो एल्वियोलाई होती है, जो एल्वियोलाई होती हैं, उन एल्वियोलाइज के बाहर क्या प्रेजेंट होती हैं, कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, तो उन मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन होगा और कॉन्ट्रेक्शन से ये एल्वियोलाई क्या हो जाती है, स्क्वीज हो जाती है, क्या हो जाती है, स्क्वीज। तो स्क्वीज होने से मिल्क क्या करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो हम ये कह सकते हैं मिल्क इजेक्शन में भी किसका रोल होता है, ऑक्सीटोसिन, द हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन। आगे चलते हैं हम सेकंड हार्मोन, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात हो रही है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। दूसरा हार्मोन है वैसोप्रेसिन, जिसको हम कहते हैं एडीएच, एंटी डायुरेटिक हार्मोन, एंटी डायुरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है किसका, किडनी के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन का ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं डीसीटी, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, दिस पार्ट इज कॉल्ड डीसीटी, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। इस पार्ट से वैसोप्रेसिन या एंटी डायुरेटिक हार्मोन क्या करता है, पानी को और इलेक्ट्रोलाइट्स को, यहां से वाटर और मिनरल्स को, वाटर और मिनरल्स को क्या कर लेता है, रीअब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हमारी यूरिन आउटपुट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी इंसान में इस हार्मोन की कमी है, डेफिशिएंसी है, किसी में एडीएच नहीं है, कमी है, तो जो डिजीज होगी उसको हम कहेंगे डायबिटीज इंसिपिडस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक होती है डायबिटीज मिलिटस, डायबिटीज मिलिटस, तो ये तो होगी शुगर, शुगर वाली इंसुलिन की कमी से, लेकिन डायबिटीज इंसिपिडस जो है इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच हार्मोन। और इसमें डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है कि एक पेशेंट जो होता है वो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए जाता है, बार बार उसको यूरिन के लिए, मिक्चुरेशन के लिए जाना पड़ता है, और बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। तीसरी जो ग्लैंड है, ये तीनों ग्लैंड, अभी दो ग्लैंड हमने डिस्कस करी ब्रेन के अंदर, वन इज हाइपोथैलेमस, अनदर वन इज पिट्यूटरी। तीसरे पे चलते हैं जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, हम अगर अध्यात्म की बात करें तो पीनियल ग्लैंड को हमारी तीसरी आंख भी कहते हैं। कुछ स्पिरिचुअल लोग हैं जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, मेडिटेशन वाला जो एस्पेक्ट है उसको हम पीनियल ग्लैंड से जोड़ के क्या करते हैं, देखते हैं। तो बायोलॉजिकल अगर मैं बात करूं तो डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन, ये हमारा फोरब्रेन है, और इसके इस डोर्सल साइड में यहाँ पे ये ग्लैंड क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो डोर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन एंड लोकेशन इज हियर, दिस वन इज योर पीनियल ग्लैंड। और पीनियल ग्लैंड का जो हार्मोन है दैट इज मेलाटोनिन, कौन सा हार्मोन है, मेलाटोनिन। तो ये मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है बेटा, इसका जो फंक्शन है वो हमारे सोने और जागने का जो नॉर्मल रिदम है, शाम होते ही, अंधेरा होते ही क्या होता है कि हमें नींद आने लगती है, वी स्टार्ट फीलिंग दैट वी हैव टू स्लीप नाउ। और दिन में क्या होता है, दिन में हमें उतनी ज़्यादा नींद नहीं आती है। तो ये सब किसकी देन है, ये हमारी पीनियल ग्लैंड की देन है, और उसका जो हार्मोन है जिसको हम कहते हैं मेलाटोनिन। तो इस मेलाटोनिन हार्मोन की
जो सिक्रीशन है वो धूप में कम हो जाती है, और जैसे ही क्या होती है अंधेरा होता है, डार्क होता है, इसकी सिक्रीशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो नॉर्मल रिदम स्लीप वेक साइकिल, और कई बार बच्चों इसको हम कहते हैं सिर्केडियन रिदम। क्या कहते हैं? सिर्केडियन रिदम। हमारी बॉडी का जो सिर्केडियन रिदम है, या एक और वर्ड यूज होता है हमारी बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, हमारी शरीर के अंदर एक घड़ी है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि अब लगभग समय दिन का कौन सा समय है। तो ये सब पीनियल ग्लैंड की क्या है, देन। इसके अलावा पीनियल ग्लैंड हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या करती है, कंट्रोल करती है, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। और देखिए एक इससे संबंधित एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं जेट लैग। क्या कहते हैं? जेट लैग। जो भी बिजनेस क्लास के लोग हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली एक देश से दूसरे देश में ट्रेवल करते हैं, तो उनकी पीनियल ग्लैंड क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि वहाँ का टाइम जोन अलग है, यहाँ का टाइम जोन अलग है, तो पीनियल ग्लैंड को एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगता है। तो उनको वहाँ पे एक या दो दिन के लिए या किसी को ज़्यादा समय के लिए भी जो स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है, स्लीप डिसऑर्डर का मतलब उनको ठीक से अच्छे से नींद नहीं आती। इसके अलावा मेलाटोनिन क्या रेगुलेट करती है बॉडी के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। आज का जो हमारा वर्क कल्चर है, उस वर्क कल्चर में क्या है कि भाई जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं तो उनकी पीनियल ग्लैंड यूजुअली डिस्टर्ब होती है, जिससे बॉडी के ऊपर बहुत सारे बुरे प्रभाव होते हैं, तो उनपे हम डिस्कस नहीं करेंगे। मेटाबॉलिज्म को क्या करती है, बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ बन रहा है, कुछ टूट रहा है, उसको भी कंट्रोल करता है मेलाटोनिन। पिगमेंटेशन, स्किन का जो रंग है, उसमें भी इसका योगदान है। मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल के अंदर और इम्यून सिस्टम, इन सारे एस्पेक्ट्स पे भी पीनियल ग्लैंड क्या करती है, अपना कंट्रोल रखती है। ठीक है, तो ये हमने बच्चों डिस्कस किया आज के इस वीडियो लेक्चर में, तीन ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस किया, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड, जो हमारे ब्रेन में होती है और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करती हैं हमारी बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ये आपको कैसा लगा, आप इसको ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।